चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि आपका कबूल इस्लाम, तो आपके कबूल इस्लाम के ताल्लुक से बात आती है, वो आती इस तरह से आती है, याद रखिए कि सफिया रज़िअल्लाहु अन्हा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, दहिया कल्बी रजी अल्लाह उनसे ले ली, जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप वापस कर दे ज्यादा बेहतर है, ले ली। लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया और कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे निकाह में आ सकती हो और चाहो तो यहूदी रह सकती हो, लेकिन यहूदी रहूंगी तो मैं अपने साथ नहीं रखूंगा, निकाह में नहीं लूंगा और तुम मतलब कनीज भी नहीं बनाऊंगा अपनी, तुमको आजाद कर दूंगा, जाओ अपने कबीले वालों के पास और खानदान वालों के पास, वहीं रहो, मेरे पास आने की फिर जरूरत नहीं है। तब उन्होंने ये आयत तिलावत की, जो आयत ये थी वला तजिरु वाजिरतु विजरा उखरा, ये आयत पढ़ी और कहा कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। ये आयत पढ़ के फरमाया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको आजाद करने का हुक्म दिया, दहिया कल्बी से कहा कि मुझे ला कर दे दो, या जब सहाबा ने मशवरा दिया कि आप इनसे शादी कर ले, ये चूंकि सरदार की बेटी है, एक शहजादी है, बड़ी सफाई सुथराई की जो है बड़ी मशहूर है, बड़ी अच्छी खातून है, आप निकाह कर ले, जब उनको उन्होंने लाके दहिया कल्बी रजी अल्लाह के रसूल को दे दिया, तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे शायद बातचीत की कि भाई रहना है तो मेरे निकाह में रहो या फिर आजाद कर दो, चूंकि मैं तुम अगर यहूदी रहूंगी तो अपने निकाह में रखना नहीं चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा मैं तो इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। तो मे बी वो पीरियड में जब ये सब वाकया हुआ, शायद की क्या वाकया बना इस्लाम कबूल करने का तफसीलात तो नहीं मिलती है, लेकिन उन्होंने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऑप्शन सुना तो ये कहा कि मैं तो इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ और जिसने जो किया उसका उसके साथ, मतलब जो मेरे वालदैन ने किया और इनके वालिद और इनके शौहर दोनों, याद रखिए जंग में मारे गए थे जंग खैबर के अंदर, तो कहा जो उन्होंने किया उनके साथ, लेकिन अब मैं तो मुसलमान हो चुकी। ठीक, जब उन्होंने ये कहा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना लिया और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह से और आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी हूँ, मतलब अब मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। अब वही अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताऊन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।